नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। राजधानी भोपाल के गांधी भवन में वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरद मूर्ति मिश्र के नेतृत्व में युवा संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जिलों के युवा सम्मिलित हुए और वरद मूर्ति मिश्र ने कहा, युवा मतदाताओं को जागरूक करना है और बताना है कि आज बेरोजगारी भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गई है और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा हुई। राष्ट्रीय डॉक्टर भरत मूर्ति मिश्र जी से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आए। सर, आज बैठक में कितने लोग सम्मिलित होंगे? लगभग 200 लोग हमने बुलाए हैं। तो बैठक किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रही है आपकी पार्टी? जो चुनाव के मुद्दे हैं वो मुद्दे वही हैं जो पूरे प्रदेश में जनता की तकलीफ के मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं और आदिवासियों पर अत्याचार है, इसके अलावा अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और सरकारी दफ्तरों में जो कामकाज का कल्चर है उसको बदलना चाहिए, लोगों की सुनवाई होना चाहिए। जो घपले घोटाले जगह जगह हो रहे हैं उनसे लोगों को जो नागरिक सुविधाएं हैं, जैसे अभी देखें कि सारे शहरों में पानी भरा, जरा सा पानी गिरता है पूरा पानी भर जाता है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं सारे प्रदेश में, किसान खाद बीज के लिए परेशान, नकली खाद नकली बीज के सबसे अधिक मामले प्रदेश में हैं, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में हैं। सर, आपकी पार्टी आती है तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? ये सबसे पहला काम हम युवाओं और बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये बात कही है कि 3.5 साल मतलब 42 महीने में हम 25 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे। सबसे जो बड़ा संकल्प हमारा है वो यही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। सर, आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।